यूपी में धार्मिक ग्रंथों को लेकर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। लखनऊ में रविवार को धार्मिक ग्रंथ की कुछ प्रतियों को जलाकर विरोध किया गया, जिसको लेकर पीजीआई पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया। इन सभी 5 लोगों से पुलिस पूछताछ कर रही है। वहीं पूरे मामले को लेकर अपर पुलिस उपायुक्त पूर्वी सैयद अली अब्बास ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। कल दिनांक 21 में पीजीआई के सेक्टर 9 में श्री रामचरितमानस के जलाए जाने की सूचना संज्ञान में आई थी। संज्ञानित होकर पुलिस ने तत्काल इसमें एक अभियोग पंजीकृत किया है। अभियोग के क्रम में इसमें रात में 5 लोगों की गिरफ्तारी की गई है और इसमें विवेचना के क्रम में अग्रिम विधि कार्रवाई की जाए।